वेलकम बैक टू आवर चैनल सान ऑटो। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ बाइकों के बारे में जो आपको 1.50 लाख ऑन रोड प्राइस में मिल जाएंगी। ऐसे तो दोस्तों आपको 1.50 लाख के अंदर बहुत सारे बाइक्स मिल जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे ही चार बाइकों के बारे में बात की है जो आपको बेस्ट फीचर्स के साथ वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड करती है। अगर आप इस फेस्टिवल सीजन कोई भी बाइक लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 1.50 लाख है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों, इस लिस्ट की फर्स्ट बाइक है TVS Apache RTR 204V, जो कि एक टिपिकल स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं। सिंगल चैनल ABS वाले वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 1,29,000, ऑन रोड प्राइस है 1,49,000 और डुअल चैनल ABS वाले वर्जन का एक शोरूम प्राइस है 1,35,000 एंड ऑन रोड प्राइस है 1,54,000। दोस्तों, इस बाइक के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाती है, जो है स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड और अर्बन मोड। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 200 से सेगमेंट की बाइकों में RTR 204V ही ऐसी बाइक है जिसमें आपको राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, और साथ ही ये बाइक अपने सेगमेंट में सबसे पहली बाइक है जिसमें आपको एडजस्टेबल टाइप के फ्रंट फॉक्स, जो कि टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक है, और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का यूज़ किया गया है। बाइक में मिलने वाले इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी एग्रेसिव लुकिंग LED हेडलाइट विद LED DRLs, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही इसमें आपको 197.75cc का ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्ट BS6 कॉम्पैक्ट इंजन दिया जाता है, जो कि 20.82 BHP का मैक्स पावर और 17.25 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है विद 5-speed ट्रांसमिशन। अगर आप 1.50 लाख के अंदर कोई नेकेड स्पोर्ट्स बाइक लेने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतर आपके लिए कोई भी बाइक हो ही नहीं सकती। अब चलते हैं हमारे लिस्ट की दूसरी बाइक बजाज एवेंजर क्रूज 220 की तरफ, जो कि लॉन्ग राइडिंग के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। इस बाइक के अंदर 220cc का ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्ट ट्विन स्पार्क DTSI इंजन दिया गया है, जो कि 19.03 BHP का मैक्स पावर और 17.5 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है विथ 5-speed ट्रांसमिशन। और दोस्तों, इस इंजन के साथ ये बाइक जो है आपको 35 KMPL के आसपास माइलेज दे देगी। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको राउंडेड हैलोजन हेडलैम्प विद LED DRLs, LED टेल लाइट और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें आपको सारे फीचर्स डिजिटल वे में शो हो जाती हैं। अब बात करते हैं बाइक के चैसी की, तो ये बाइक ट्यूबुलर फ्रेम में बेस्ड है, जिसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क और रियर में 5-step एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। साथ ही बाइक के फ्रंट में 90x90mm और रियर में 130x90mm ट्यूब टायर के साथ स्पोक व्हील्स का ऑप्शन दिया जाता है। दोस्तों, इस बाइक के सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी सीट, जो कि काफ़ी लो और कुशन्ड है, जो कि कंफर्टेबल राइडिंग के लिए बेस्ट है। और इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,28,000 एंड ऑन रोड प्राइस है 1.50 लाख। सो दोस्तों, 1,50,000 ऑन रोड प्राइस टैग के अंदर आप एक कंफर्टेबल क्रूजर टाइप की बाइक भी परचेस कर पाएंगे। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है सुजुकी जिक्सर एसिफ, जो कि एक फुल्ली फियर्ड स्पोर्ट्स बाइक है। इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे एरोडायनामिक एग्रेसिव डिज़ाइन है और साथ ही बाइक में इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,25,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,51,000। इस बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इसके फ्रंट में काफ़ी अच्छी ट्रिपल हेडलाइट की एक सेट दी गई है और इसके फ्रंट में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया गया है, जिसमें आपको सारे मेजर इन्फॉर्मेशन डिजिटल वे में शो हो जाती हैं। इंजन और पावर आउटपुट के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको 155cc का एयर कूल फ्यूल इंजेक्ट BS6 कॉम्पैक्ट इंजन दिया गया है, जो कि 13.6 BHP का मैक्स पावर और 13.8 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है विद 5-speed ट्रांसमिशन। दोस्तों, ये बाइक जो है डायमंड फ्रेम में बेस्ड है, जिसमें आपको फ्रंट की तरफ टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का यूज़ किया गया है, और साथ ही इसके फ्रंट में 100x80mm एंड रियर में 140x60mm ट्यूबलेस टायर के साथ 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी दिए जाते हैं। ये बाइक जो है अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी लाइट वेट है, जिसका वेट है 148kg और सीट हाइट है 795mm। सो दोस्तों, अगर आप 1.50 लाख के अंदर कोई फुल्ली फियर स्पोर्ट्स लुकिंग बाइक लेना चाहते हैं तो आप इस बाइक की तरफ देख सकते हैं।
हमारी लिस्ट की आखिरी बाइक है होंडा हॉर्नेट 2.0, जो कि एक टिपिकल नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। ये बाइक वैल्यू फॉर मनी तो है ही, साथ ही 1.50 लाख प्राइस टैग के अंदर ये फर्स्ट बाइक है जिसमें आपको गोल्डन कलर में कवर्ड प्रीमियम यूएसबी फ्रंट फॉर्क दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स की, तो इसमें आपको राउंड शेप हैलोजन हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स और एक फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाता है जिसमें आपको सारे फीचर्स डिजिटल वे में शो हो जाती हैं। दोस्तों, बाइक में पावर आउटपुट के लिए 184.4 सीसी का एयर कूल फ्यूल इंजेक्ट बी6 कॉम्पैक्ट इंजन दिया गया है, जो कि मैक्सिमम 17.3 bhp का पावर और 16.1 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है विथ 5-speed ट्रांसमिशन। और दोस्तों, ये बाइक 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ 40 km/h तक की माइलेज इजीली दे देती है। साथ ही इसके फ्रंट में आपको 110x70 mm, रियर में 140x70 mm ट्यूबलेस टायर के साथ 17 inches के अलॉय व्हील्स विथ स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS दिए गए हैं। सो दोस्तों, ये भी एक नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है जो आप 1.50 लाख के अंदर परचेस कर पाएंगे। इस फेस्टिवल सीजन आप कौन सी बाइक परचेस करने वाले हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए।